हेलो, कैसे बच्चों? वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ऑन स्ट्रेट लाइंस ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री एंड दिस इज ए वीडियो लेक्चर पार्ट सिक्स। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेट लाइंस। लास्ट क्लास में हमने शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में बात किया था। अब आज एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि एक पॉइंट दिया होता है और लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की बात होती है कि एक पॉइंट दिया है और एक लाइन का इक्वेशन दिया है, वहां से परपेंडिकुलर डालें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इसको हमने किया हुआ है पहले से, लेकिन यहाँ पे थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री जिसको सॉलिड ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसमें कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे रैंडम कुछ सोच के और देखते हैं कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1 to 1 the line x minus 2 by 3 y plus 1 by 1 and z minus 3 by 2 is equal to lambda। ये पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करो? ये पॉइंट दिया हुआ है 1 to 1, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं P, और ये लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या? x माइनस 2 बाई 3 y प्लस 1 बाई 1 एंड z माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ये लाइन है, लाइन का नाम कुछ दे देता हूं AB, है ना। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कोई पॉइंट होगा जहां पे परपेंडिकुलर मिलेगा, इस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पैर, ये कह सकते हैं। अब इस एम का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। ये क्वेश्चन पता है यूजुअली क्या करें कि यहां से अगर ये लिखा है एक्स वाई जेड लाइन पे क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट होता है, नहीं जनरल पॉइंट होता है। तो कोई भी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा। यहां पे अगर ये लिखा है एक्स माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 लैम्डा, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, 2 उधर जाके इधर माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 लैम्डा प्लस 2, x की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, y की वैल्यू उसी तरह से लैम्डा माइनस 1, z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3। कोई भी पॉइंट x y z इसी फॉर्म में होगा और फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर कैन बी डिफरेंट पॉइंट ऑन द लाइन। सो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन विल हैव कोऑर्डिनेट व्हाट? 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर कैन हैव डिफरेंट पॉइंट ऑन द लाइन, राइट? तो फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा एम कैन बी आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा लेट एम इज 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। ये एम का कोऑर्डिनेट हो गया। क्या क्या कोऑर्डिनेट हो गया एम का? 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। ये हो गया एम का कोऑर्डिनेट, ये पता चल गया आपको, 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। एम का कोऑर्डिनेट पता है, पी का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, लाइन में दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है और उसका डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। क्या फॉर्मूला सीखा आपने, याद है आपको? अवश्य याद होगा। दो पॉइंट जो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो, उससे पास करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियोज होता है x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1। तो
तो ये होगा x2 माइनस x1, सो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम आर क्या क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा x2 माइनस x1, 3 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2, लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 2. सो डायरेक्शन रेशियो पीएम का आ गया आपके पास, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3 1 और 2 पहले से दिया है, दो लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो आपको मालूम चल गया और दोनों एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, ये एक लाइन है ये एक लाइन है परपेंडिकुलर है, तो इनका डायरेक्शन रेशियो अगर मालूम है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है आपको याद होगा, a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0 याद है ना, तो हम यही कर लेंगे, यानी ये हुआ a1b1c1, ये हो गया a2b2c2 और इनका सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होंगे 0, तो लिख देंगे यूजिंग टू लाइंस परपेंडिकुलर, तो उसका होता है ये लिख देता हूं यहां पे a1a2 + b1b2 + c1c2 क्या होता है 0, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो और उनकी डायरेक्शन रेशियो a1b1c1 और a2b2c2 हो तो ये 0 होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा 3 × 3λ + 1 + b1 की जगह पे 1 और b2 की जगह पे λ - 3 plus c1 की जगह पे 2 और c2 की जगह पे 2λ + 2 = 0 9λ + 3 λ - 3 4λ + 4 = 0 3 से 3 कैंसिल 9 × 10 = 14λ is equal to कितना -4 and therefore λ = -2/7 again λ = -2/7 अब इस लैम्डा की वैल्यू अगर इस पॉइंट में रख दिया जाए इस कोऑर्डिनेट में लैम्डा की ये वो पार्टिकुलर वैल्यू है जो इनके कोऑर्डिनेट में इसमें रख देने पे इनका कोऑर्डिनेट देगा and therefore कोऑर्डिनेट ऑफ m is given by what 3λ + 2 यानी 3 - 2/7 + 2 दूसरा क्या आएगा λ - 1 - 2/7 - 1 और तीसरा क्या आएगा 2λ (2 × -2/7 + 3) ये आ गया दैट इज क्या हो गया 3 × 6 - 6 + 14 यानी 8 8/7 दूसरा क्या आएगा यहां पे -2 - 7 - 9/7 और तीसरा आएगा 7 × 3 = 21 21 - 4 = 17/7 ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन ठीक है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको अच्छी तरह से आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है कि लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट लेना है अगर पॉइंट पता चल गया तो उसी को हम फुट ऑफ को परपेंडिकुलर मान लेते हैं उसके जरिए हम पीएम का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं जब इसका डायरेक्शन रेशियो पता चल जाता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पहले से मालूम है तो a1a2 + b1b2 + c1c2 करने से क्या निकल जाता है लैम्डा की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये m का कोऑर्डिनेट होगा उस लैम्डा की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो क्या निकल जाएगा m का कोऑर्डिनेट और यही आपका क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है एक दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कहा जाता है इमेज निकालिए किसी पॉइंट का लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज निकालिए तो इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आपको पता है प्लेन मिरर में जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनता है तो जितना आगे ये होगा उतना ही पीछे ये होगा इमेज बनेगा अर्थात m क्या होगा मिड पॉइंट होगा मिरर पे जो पॉइंट है m वो क्या होगा मिड पॉइंट एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन करके फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 - 1 2 with respect
respect to line mirror x minus 3 by 2, y plus 1 by 1 and z minus 3 by minus 1 is equal to lambda. ये दिया आपके पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट दिया है. सिमिलर क्वेश्चन है बट यहां से इमेज निकालनी है. जस्ट टू पे गिव द बेटर कांसेप्ट आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन अगेन. पी एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये लाइन मिरर है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये मान लेते हैं और ये इसका इमेज, जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगा पी डैश. इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा हम मान लेते हैं, ठीक है. ये एक लाइन हो गया ए बी, इसका कोऑर्डिनेट सो लिख देंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, पहले की तरफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल हैव कोऑर्डिनेट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल हैव कोऑर्डिनेट लाइक 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस लैम्डा प्लस 3. Say for particular value of lambda, it will be coordinate of m. For some value of lambda, ठीक है? ये m का coordinate हो गया. यानी m का coordinate क्या हो गया बच्चों? ये लिख दूँ, m का coordinate हो गया 2 lambda plus 3 lambda minus 1 and minus lambda plus 3. ये हो गया coordinate. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया लैम एम का. और हमें हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम आर क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस माइनस 1 माइनस वन माइनस वन लैम्डा माइनस वन माइनस वन. तो माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा? प्लस वन. तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एंड माइनस लैम्डा माइनस फाइव. ये डायरेक्शन रेशियो हो गया. और लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है? 2 1 और माइनस वन. सो सिंस यहां लिख देते हैं पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयर फोर यूजिंग ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो, है ना, इज इक्वल टू जीरो. तो ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं. और ये इस्तेमाल करने के लिए जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2 और इसका है a1 a2 प्लस b1 1 इनटू लैम्डा प्लस c1 और माइनस लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो. ऐसा करने से ये मिल गया 4 लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 4 इनटू 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0. 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m इज गिवन बाय, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ m? 2 लैम्डा यानी 2 इनटू माइनस 3 बाय 2 प्लस 3 कॉमा क्या होगा? दूसरा है लैम्डा माइनस 1 यानी माइनस 3 बाय 2 माइनस 1 और तीसरा है माइनस लैम्डा प्लस 3. माइनस लैम्डा का मतलब लैम्डा खुद ऑलरेडी माइनस 3 बाय 2 है, माइनस लैम्डा करेंगे तो 3 बाय 2 हो जाएगा और प्लस 3. तो ये आ गया दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज व्हाट? 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बाई 2 और ये 3 2 जा 6 प्लस 3 9 9 बाई 2. ये आ गया इनका कोऑर्डिनेट. अब m क्या होगा? मिड पॉइंट होगा p और p डैश का. सिंस इफ p डैश, लेट p डैश ऐसे लिख देता हूं, लेट p डैश अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ पॉइंट p 1 माइनस 1 2 एंड देयरफॉर m इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश. तो क्या होगा? मिड पॉइंट होता है तो क्या होता है? अगर दो पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है? x1 plus x2 y2
y1 plus y2 by 2, z1 plus z2 by 2. तो इसी तरह से यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे अल्फा प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू इसका एक्सपोनेंट, m का एक्सपोनेंट क्या आया जी जीरो, बीटा का एक्सपोनेंट बीटा माइनस वन, वाई वन प्लस वाई टू बीटा प्लस माइनस वन यानी बीटा माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस फाइव बाई टू एंड गामा प्लस वन वन गामा प्लस टू टू कोऑर्डिनेट है डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू जेड कोऑर्डिनेट मतलब नाइन बाई टू, टू से टू कट गया यहाँ भी टू से टू कट गया और अल्फा की वैल्यू मिल गया माइनस वन, ठीक है अल्फा की वैल्यू क्या मिल गया माइनस वन और बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा की वैल्यू मिल गया माइनस वन क्योंकि टू इंटू जीरो जीरो, बीटा की वैल्यू मिल जाएगा माइनस फाइव और प्लस वन क्या हो जाएगा माइनस फोर, बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर एंड गामा इज इक्वल टू नाइन माइनस टू सेवन एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश इज कितना आ गया माइनस वन माइनस फोर और सेवन, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम एक दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको इमेज निकालने के लिए कहा जाएगा या तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए कहा जाएगा या इमेज निकालने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन करने का कंपटीशन में इतना लंबा तरीका नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसी का ये कोऑर्डिनेट आया है, यह आया है 8 by 7 minus 9 by 7 17 by 7, ये आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो इसको आप ऑप्शन में से दिए गए चार आंसर में से क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पर लाई कर रहा है तो लाइन के इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो आप ऑप्शन को यहाँ पे एक्स वाई जेड के जगह पे रख के देख ले जिसमें ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही हो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, अगर वही आंसर होगा अगर चार में से एक ही सेटिस्फाई कर रहा है तो। अगर खुदा ना खास्ते ऐसे दो पॉइंट मिल गए जो सेटिस्फाई कर रहे हों, ऐसे लाइन पे तो सेटिस्फाई करने वाला इनफाइनाइट पॉइंट है बट ऑप्शन में ऐसे दो मिल गए जो सेटिस्फाई कर रहे हों तो आप उस स्थिति में इसका ओरली डायरेक्शन रेशियो पता कर सकते हैं, उस पॉइंट का इस पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे पता चलेगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 और डायरेक्शन रेशियो जिसका पता चल गया इसका डायरेक्शन रेशियो दिया ही हुआ है, आप ओरली सेटिस्फाई करके देख सकते हो कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 वाला जीरो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही असली आंसर है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरा वाला आंसर है ना, अगर दो है तो नहीं तो आप ऐसे भी ये स्कूल में ऐसे कर सकते हैं, कंपटीशन में करने के लिए आप वैल्यू रख के देखेंगे सेटिस्फाई कर लेगा तो आंसर है सही, नहीं किया तो नहीं है। जैसे 8 बाई 7 यहाँ रखें, 8 बाई 7 का रेंज क्या होगा 8 माइनस 14 माइनस 6 बाई 7 यानी माइनस 2 बाई 7 आ गया, माइनस 2 बाई 7 इसमें आ गया, यहाँ पे रखेंगे माइनस 9 बाई 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 7, तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए। इसी तरह से जेड का कोऑर्डिनेट भी रखेंगे 17 by 7 minus 3, 17 minus 21 minus 4 by 7, नीचे 2 से डिवाइड करोगे minus 2 by 7, तो पॉइंट चूंकि लाइन पे लाई कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन में से पॉइंट पिक करो रख के देखो जो लाइन में सेटिस्फाई कर रहा है, ओरली ये वैल्यू पुट करने में हार्डली 5 से 7 सेकंड लगेंगे, आप पुट करके देख सकते हो अगर सेटिस्फाई एक ही पॉइंट कर रहा है तो वही आंसर है, अगर एक से ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप डायरेक्शन रेशियो वाला कैरेक्टरिस्टिक लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा और इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने के लिए सीख चुके होंगे अब तक, ठीक है। तो अगली क्लास में हम बात करते हैं, आप लगातार वीडियो देखते रहने के लिए हमारी अरविंद सिंह एकेडमी का चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और लगातार अपडेट रहें, हर एक वीडियो जैसे ही आप अपलोड होगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। आने वाले टाइम में लगभग 1600 वीडियो हमने अपलोड करने का प्लान बनाया है और इतनी सारी वीडियो आपको मिलेगा जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन आईआईटी की कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।